अनुभव करो इस ज्वाला को युवराज दुर्योधन। ये वही ज्वाला है जो इतनी वर्षों से मेरी माता के हृदय में थतक रही है। छोटा था मैं बहुत, पर मेरा रोम रोम जल उठता था ये सुनकर कि मेरी माता के साथ क्या हुआ। सोचो मेरे माता पिता और मेरे काका पर क्या बीती होगी जब उन्होंने वह दृश्य देखा। मेरे माता पर क्या बीती होगी जब सहस्त्रों आंखें उनके वस्त्रहीन होते शरीर पर पड़ रही थी। आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुभव करो उस अपमान का, अनुभव करो उस वस्त्र हरण से हुए अपमान का जो आप सभी ने किया। नदी जब सीमा तोड़ती है तो बाढ़ आती है। आज आपकी पाप की धारा की बाढ़ में आप स्वयं बह जाएंगे काकाश्री। आप अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं आचार्य। को मेरी सहायता की आवश्यकता है। चलो सत्यसेन। कहां चले अंगराज? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मित्र पे आए संकट का संदेश तुम्हें मिल चुका है, परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम कदाचित मुझे रोक सकते थे अर्जुन, परंतु तुमने एक भूल कर दी। तुम अपने रथ पर नहीं हो अर्जुन। हां, वासुदेव तुम्हारे सारथी हैं, परंतु महाबली हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे रथ पर नहीं। अभी भी पराजित नहीं हुआ हूं कर्ण। तुम इस प्रकार द्रोण छोड़कर नहीं जा सकते।
तुम युद्ध के नियम भूल रहे हो अर्जुन। युद्ध का नियम है कि महारथी ही महारथी के साथ द्वंद कर सकता है, और तुम रथ विहीन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ द्वंद नहीं कर सकता। पहले अपने रथ का पहिया सुधारो, फिर आकर मुझे युद्ध का आह्वान देना, क्योंकि परशुराम शिष्य कर्ण नियम तोड़कर युद्ध नहीं करेगा। चलो सत्यसेन। अब समझे पार्थ कि मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों करता हूं। मानता हूं कि आपका वध करना काकाश्री की प्रतिज्ञा थी। उनकी प्रतिज्ञा को भंग करने का दंड मैं सह लूंगा, परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। किसी की प्रतिज्ञा टूटे पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी अभिमन्यु, और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे मित्र के प्राण नहीं जाएंगे। यदि जीवित रहना चाहते हो तो पीछे हट जाओ अभिमन्यु। आप भूल रहे हैं अंगराज कि मैं किसका पुत्र हूं। पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो प्रहार सहने के लिए तत्पर रहो। ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं अंगराज। ना मेरे पास बाणों की कमी है और ना प्रहारों की। ये अंतिम अवसर है अभिमन्यु, लौट जाओ। तो मेरे तुनीर में भी उत्तर प्रस्तुत है अंगराज। मैं तुम्हारा सामर्थ्य स्वीकारता हूं, तुम्हें कुशल योद्धा हो अभिमन्यु, किंतु कुशल होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। लौट जाओ। यदि कल युद्ध करना चाहते हो तो आज जीवित रहना सीखना होगा। लौट जाओ अभिमन्यु। एक योद्धा के लिए आज या कल नहीं होता अंगराज, उसके लिए केवल वो ही पल होता है जिसमें वो मृत्यु के सामने खड़ा होता है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है तेरा स्वागत।
प्रसन्न मुखा। मुझे रोकने का आप केवल एक ही अस्त्र है आपके पास, ये आपको मेरा वध करना होगा। तो लीजिए अंगराज, अपने पुत्र के मृत्यु का प्रतिशोध लीजिए। आपके समक्ष आज वो योद्धा खड़ा है जिसके पिता ने आपके पुत्र का वध किया था। प्रतिकार कीजिए अंगराज, रुके क्यों है? क्योंकि जो पीड़ा मैंने सही, मैं नहीं चाहता कि वो पीड़ा मेरा शत्रु भी सहे। कृष्णदेव ने अपना विकल्प स्वयं चुना था, वो रणभूमि छोड़कर जा सकता था, परंतु उसने मृत्यु चुनी। गर्व है मुझे तुम जैसे युवा योद्धाओं पर, जो अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटने वाले अभिमन्यु, परंतु मुझे भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। देखकर मुझे अपना बचपन स्मरण हो रहा है। अभी तुम्हारा जीवन आरंभ हुआ है, इसे इस प्रकार व्यर्थ मत करो। मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब हम दोनों मिले तो दो शत्रुओं के भांति नहीं, तो वीरों के भांति एक दूसरे के गले में। अभी तुम्हारा जीवन शेष है, क्या होगा? आज कौरवों की विजय हुई है गांधारी, पांडवों की एक अक्षुणी सेना को ध्वंस कर दिया है हमने आज। भीम हमारे एक भी पुत्र को क्षति नहीं पहुंचा पाया, एक भी। किंतु दुर्योधन का क्या महाराज? Thank you.
आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा, आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा। परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। रुकिए ज्येष्ठ, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्योधन, दुर्योधन, ये सब कुछ क्या है? आज के इस युद्ध में हमें विजय मिली है, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? ऐसी विजय जो अपमान की थाली में सजा कर मिले, ऐसी विजय से श्रेयस्कर है कि मृत्यु को पालूं। मेरे जीवन में कभी मेरा इतना अपमान नहीं हुआ है। अब इस जीवन का और कोई मूल्य नहीं। मैंने ये युद्ध संपत्ति के लिए नहीं, अपने हट अपने सम्मान के लिए बुलाई थी। अब जब सम्मान ही नहीं रहा तो इस विजय का मैं क्या करूंगा? मेरी सेना के सामने विश्व के महानतम योद्धाओं के रहते वो 16 वर्ष का बालक मेरे वस्त्र हरण कर गया और चेतावनी देकर गया है कि युद्ध में जब भी मिलेगा पुनः यही दोहराएगा। अब ये वस्त्र हरित दुर्योधन सम्राट बन भी गया, कैसे अपनी सेना से अपनी प्रजा से पाक मिला पाऊंगा मैं? इस लज्जा के साथ मैं अब जीवित नहीं रह सकता। नहीं दुर्योधन, देखो अपने क्रोध पर काबू पाओ। देखो विजय हमारे निकट है दुर्योधन, मानो मेरी बात। छोड़िए मुझे मामाश्री, छोड़िए मुझे, अन्यथा इस अग्नि में मैं अपने आप से पहले आपकी आहुति दे दूंगा। छोड़िए मुझे, नहीं छोड़िए, छोड़िए मुझे। नहीं नहीं दुर्योधन, देख क्या रहे हो मूर्खो, कोई रोको इस अनर्थ को। विवेक मत खो बैठा। जो अपना सम्मान खो चुका हो उसके पास खोने को और क्या शेष है? ले लेने देते उस अभिमन्यु को मेरे प्राण, वीर गति तो मिलती है। सारी सेना के सामने मेरा वस्त्र हरण कर गया वो बालक, जिन पांडवों का सर कटा हुआ देखना चाहता था उन्हीं का बालक मेरा सर चुका गया।
संसार के सारे योद्धा देखते रह गए और वो बालक मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसा गया। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। क्या करूंगा जीवित रह गए जब संसार के सामने शीश उठाकर चल भी नहीं सकता मैं। इसीलिए अब मैं अग्नि स्नान करूंगा। जो अग्नि यहां चल रही है उससे कहीं अधिक अग्नि तुम्हारे पिता के हृदय में चल रही है। क्या तुम अपने 5 भाइयों का बलिदान व्यर्थ जाने दोगे? क्या अपने पिता को दिया वचन भुला दोगे तुम? अपने चारों ओर देखो मित्र, क्या ये सब व्यर्थी अपने प्राणों के साथ खेल रहे हैं? जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं क्या उनका बलिदान व्यर्थ जाने दोगे तुम? तुम्हारे अनुज, तुम्हारे मामाश्री, तुम्हारे गुरुदेव, ये सब तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहते हो? पूछो अपने सैनिकों से कि आज जो युद्ध में हुआ कि क्या वो उससे लज्जित हैं या वो कल युद्ध में उसका प्रतिशोध लेंगे? बोलो सैनिकों! इन सैनिकों का सम्मान मेरे मन में लगी अग्नि को बुझा नहीं सकता मित्र। मैं तुम्हारे लिए सदैव प्रस्तुत हूं मित्र। आदेश दो मुझे, आदेश दो कि क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हारी पीड़ा को शांत करने की औषधि क्या है मित्र, बताओ मुझे। मुझे अपने इस अपमान का प्रतिशोध चाहिए जिसने मेरा मान हरण किया, उसके प्राण हरण करने हैं मुझे। मुझे अभिमन्यु चाहिए। बहुत पीड़ा हो रही है ना इन्हें? पीड़ा? अभी तक मैंने इसके घाव को छुआ भी नहीं है। अभिमन्यु तुम्हें सताने के लिए उपक्रम कर रहा है उत्तरा। बहुत बुरे हैं आप। और तुम बहुत डरपोक। एक योद्धा की पत्नी के मन में इतना भय शोभा नहीं देता उत्तरा। ये घाव हमारे लिए आभूषण होता है। सताते हो तुम उसे? अब क्या करूं माता, वो तो आजकल हर बात पर क्रोधित हो जाती है और अब आप भी मुझे डांट रही हो। तुम्हें अधिक चोट तो नहीं आई ना पुत्र? नहीं पिताश्री, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में अंगराज कर्ण एक महान योद्धा है, उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई टक्कर नहीं दे सकता। हाँ पुत्र, परंतु हम दोनों के लक्ष्य और सोच भिन्न है। मुझे तुम पर गर्व है। गर्व तो होना ही चाहिए। आज अभिमन्यु ने दुर्योधन को उचित उत्तर दिया।
सत्य अभिमन्यु। आज तुमने जो युद्ध भूमि में किया वो अद्भुत था, और मुझे विश्वास है कि कल का दिन इतिहास में तुम्हारा नाम सदैव के लिए अमर कर देगा अभिमन्यु। इतिहास से पूर्व मेरे पुत्र ने अपनी छवि मेरे मन में अमर कर दी है। 14 वर्षों के पश्चात आज पहली बार मन को एक शीतलता पहुंची कि मेरे पुत्र ने मेरे साथ हुए अपमान और अत्याचार का भान उस दुर्योधन को करवाया। मेरी आत्मा को जैसे एक वस्त्र का संबल मिल गया। इसके लिए मैं सदैव के लिए अभिमन्यु की ऋणी रहूं। जीवन तो पल पल में है सखी, जिस पल को जी लो वही जीवन होता है। आज तुम प्रसन्न हो, जी लो सखी, आज का दिन जी लो। कल का दिन तो अभिमन्यु के जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए, और स्मरण रहे सरल मृत्यु नहीं देनी है उसे, मृत्यु आने की पीड़ा का आभास कराना है, और जब तक वो भूमि पर रेंगता हुआ दया की भीख ना मांगे, मृत्यु नहीं आनी चाहिए उसे। वो मृत्यु मांगेगा और मैं हर पल उसे मृत्यु और जीवन के बीच में झुलाऊंगा, झुलाऊंगा मैं उसे। असंभव युवराज, जब तक युद्ध भूमि में पांडव उपस्थित हैं तब तक अभिमन्यु तक पहुंचना असंभव होगा। वैसे भी उन्हें ज्ञात होगा कि आज आपके साथ जो हुआ उसका प्रतिशोध आप अवश्य लेंगे। इसी कारण अभिमन्यु तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। क्षमा कर दो, भूल हो गई, बस। अच्छा क्षमा भी कर दो, जिसने युवराज दुर्योधन का मस्तक झुका दिया वो आज तुम्हारे समक्ष सर झुकाए मना रहा है तुम्हें। देखो किसी ने मुझे इस प्रकार सर झुकाए देख लिया ना तो मेरा बहुत उपहास उड़ाया जाएगा। पहले वचन दीजिए कि भविष्य में आप इस तरह मेरा उपहास नहीं बनाएंगे। आपको अनुमान भी है, कितनी भयभीत हो गई थी। अब इसमें भयभीत क्या होना उतरा? आप नहीं समझेंगे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो ठीक है मत बात करना, परंतु कल यदि लौटा नहीं ना तो पछताना नहीं। दोबारा ऐसे मत बोलना आर्या, भाई खो चुकी हूँ, पति नहीं खो सकती, क्षत्रिय हूँ, अपने अधिकार लेना जानती हूँ। आपको लौटना होगा क्योंकि इस बार केवल मैं नहीं आपकी होने वाली संतान भी आपकी प्रतीक्षा करेगी। सत्य उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं तेरा, तुम और हमारी संतान सदा मुझ पर गर्वित रहेंगे। जानती हूं
आपकी संतान बहुत भाग्यशाली है, उसे अपने पिता की शौर्य गाथा सुनने को मिलेगी। गाथाएं विजय के साथ होती है उत्तर, और विजय अभी शेष है। युद्ध शेष रहे या ना रहे, उस अभिमन्यु के प्राण शेष नहीं रहने चाहिए। आचार्य, आप सेनापति हैं, तीरगत के वीर नरेश शर्मा, मध्य नरेश शैल्य, अश्वत्थामा आंगराज, इतने वीरों के होते हुए भी क्या एक बालक को बंदी बनाया नहीं जा सकता? तुम्हारे प्रतिशोध के लिए केवल कुशल योद्धाओं की नहीं बल्कि एक उत्तम योजना की आवश्यकता है मेरे होने वाले सम्राट। हमारी सफलता एक उत्तम योजना में छिपी है। क्या है जो आप चाहकर भी मुझसे नहीं कह पा रहे हैं सखा? ये रात का अंधकार भी आपके मुख पर आए हुए भाव मुझसे नहीं छुपा सकता। रात्रि के बाद दिन आता है सखी, उसी प्रकार जीवन के पश्चात मृत्यु आती है, सुख के बाद दुख आता है, और यही सृष्टि का नियम है। हमें अपने जीवन में सबके लिए तत्पर रहना चाहिए सखी। अर्थात जो मेरा भय है क्या वो सच होने वाला है माधव? क्या कल पांडवों के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है? आप तो सब जानते हैं ना सखा, बताइए मुझे। कभी कभी भविष्य का ज्ञान होना भी दुख का कारण बन सकता है सखी। यदि समय के अनुसार मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो तो वो स्वयं को संभाल सकता है। और आज तुम्हारी प्रसन्नता का दिन है सखी। आज तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे अपमान का प्रतिकार किया है। जाओ सखी, जाकर सो जा, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। तब तक सो नहीं पाऊंगा जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए। आचार्य, प्रतिशोध की आग में कोई और भी जल रहा है, युवराज दुर्योधन। माता श्री सिंधु नरेश जयद्रथ। भूल को क्षमा किया जा सकता है, अपराध को नहीं। इस अपमान के पश्चात मछली बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। प्रतिशोध लूंगा। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण होगा।
और मैं सम्मान सहित तुम्हारी बहन दुशला को अपना मुख दिखा सकूंगा। इतने समय आप कहां थे सिंधु नरेश? अपने अपमान के प्रतिशोध का प्रबंध कर रहा था। पुत्र जयद्रथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? महादेव, मुझे अपने प्रतिशोध का अवसर चाहिए। शपथ ली है मैंने, जब तक पांडवों के अपमान का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा। और वो दिन कल आएगा वो दिन जब मैं पांडवों को ऐसी पीड़ा दूंगा कि वो जीवन भर नहीं भुला सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ युवराज, तुम्हारी योजना और मेरा प्रतिशोध दोनों कल सफल होंगे। हर हर महादेव, हर हर, हर महादेव। सर्वोत्तम वनपुत्र, संसार के सभी योद्धाओं में तुम्हें सबसे अधिक कीर्ति प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए मामा श्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लूं। विजय तो कायरों को भी प्राप्त होती है पुत्र, परंतु कीर्ति और यश केवल शूर वीरों का मुकुट बनती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे।